आप सभी का स्वागत है चैनल में जिसका नाम है इंडियन गेमिंग। आज ना आपका भाई बहुत ही ज्यादा खुश है, एक्साइटेड भी है और आप सबको खुश करने भी आ चुके हैं क्योंकि नेक्सॉन ने अपना गेमिंग शोकेस का इवेंट है उसे कंप्लीट कर चुके हैं और उस इवेंट में उन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताए हैं जो 2022 तक रिलीज हो सकते हैं, जिनमें से पीसी गेम, कंसोल गेम और मोबाइल गेम भी शामिल है। लेकिन आपको पता है हमारे चैनल पे सिर्फ मोबाइल गेम्स के अपडेट्स ही वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं, तो चिपके रहो। जितने भी सारे मोबाइल गेम से रिलेटेड अपडेट्स उन्होंने दिए हैं इस इवेंट में, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कहीं भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल पे नए आ चुके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। नीचे रेड कलर का बटन है, शायद ही आपको कोई इंडियन क्रिएटर इस इवेंट के बारे में अब तक बताए होंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे मेहनत के लिए। तो चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम नेक्सॉन के बारे में बात करते हैं। ये जो कंपनी है साउथ कोरिया में है और फिलहाल इससे पहले भी काफी सारा गेम इनके तरफ से मोबाइल डिवाइस में लॉन्च किया गया है। जब आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करोगे नेक्सॉन गेम्स करके तो काफी सारा सर्च रिजल्ट पे गेम्स आ जाएगा, उनको आप डाउनलोड करके एंजॉय कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि इनके गेम्स खराब होते हैं, बहुत ही कमाल के होते हैं और फिलहाल एक गेम उनका गूगल प्ले स्टोर पे तो है, आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, लेकिन उनका सर्वर जो है डाउन कर दिया गया है करीबन 2 साल पहले। क्यों डाउन किए हैं, कौन सा गेम है और आगे उस गेम का फ्यूचर क्या है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये जो इवेंट है 2021 नेक्सॉन न्यू प्रोजेक्ट शोकेस 5 अगस्त को किया गया था, जिनमें पीसी, कंसोल और मोबाइल गेम भी शामिल है। कुल मिला के हमें 7 गेम्स पता चले हैं इस इवेंट में जो 2022 तक रिलीज हो सकते हैं। सभी के सभी गेम्स जो है अर्ली डेवलपमेंट में है, जिसके चलते कुछ गेम का टाइटल रिवील किए हैं, कुछ गेम का टाइटल रिवील अब तक नहीं किए। समझ रहे हो? तो सबसे पहले गेम की तरफ चलते हैं। ऑन स्क्रीन आप इस गेम का ट्रेलर देख पा रहे हो, जिस गेम का नाम है मोबी नोगी मोबाइल। ये एक मैसिव मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम है, ऑलरेडी पीसी में लॉन्च हो चुका है। जब आप इस गेम को पीसी में खेलना चाहते हो स्टीम में जाके परचेस कर सकते हो, लेकिन फिलहाल नेक्सॉन ने इसे अनाउंस कर दिए है कि ये गेम जो है 2022 के अंदर आपको मोबाइल डिवाइसों में भी खेलने को मिल जाएगा। तो दूसरे गेम की तरफ चलते हैं। दूसरा जो गेम आ रहा है टेल्स वेबर एम। जी हाँ, टेल्स वेबर जो गेम है पीसी में ऑलरेडी लॉन्च किया गया है। ये गेम टोटली बेस्ड है कोरियन नोवेल पे, जिसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ द रुइन। इसे आप मोबाइल डिवाइस में बहुत ही जल्दी खेल पाओगे, थोड़ा इसका टाइटल चेंज कर दिए हैं। पीसी में जब आप सर्च करोगे टेल्स वेबर, लेकिन मोबाइल डिवाइस में ये जब आएगा रिलीज होगा तो उसका टाइटल होगा टेल्स वेबर एम। ये भी एक ऑनलाइन आरपीजी बेस्ड गेम होने वाला है, जो ऑन स्क्रीन आप ट्रेलर तो देख ही पा रहे हो। तो अगले प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। इस गेम का जो है टाइटल को रिवील नहीं किया गया है, प्रोजेक्ट SF2 के नाम से हम फिलहाल इस गेम को जानेंगे। ये एक टर्न बेस्ड स्ट्रेटेजी गेम होने वाला है मोर स्टाइल ग्राफिक्स के साथ। जब आपको इस टाइप का ग्राफिक्स के गेम पसंद है तो ये गेम भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। बहुत सारा कैरेक्टर यानी डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे, उनका अलग अलग स्किल भी होगा और हर एक कैरेक्टर का अलग अलग स्टोरी भी होगा। इस गेम को खेलते हुए उनको आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो। मजा आया। रिलीज डेट को कंफर्म नहीं किया गया है, तो देखते हैं आगे चल के क्या कुछ डिटेल प्रोजेक्ट S2F से निकल के आते हैं। तो अगले गेम की तरफ चलते हैं। इसका भी टाइटल जो है रिवील नहीं किया गया है, जिस गेम का नाम है प्रोजेक्ट DX। SF DX MX, ऐसे ही करके आपको गेम्स के बारे में पता चलेंगे। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जो प्रोजेक्ट DX है डोरेंगो इंस्पायर्ड गेम है। ये गेम जो है ऑलरेडी आप खेल चुके हैं, कैसे उसके बारे में बताएंगे। इस गेम के जो प्रोवाइडर होने वाले हैं नेट गेम्स, लेकिन नेक्सॉन के अंडर ही ये गेम डेवलप हो रहा है। तो न्यूज के हिसाब से ये जो गेम है MMORPG कैटेगरी का गेम होने वाला है। इस गेम को पहले आप वाइल्ड लैंड डोरेंगो नाम से खेल चुके हैं, जो गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका सर्वर जो है डाउन कर दिए हैं। उस गेम को लॉन्च किया गया था 25 जनवरी 2018 को, उसका सर्वर को क्लोज किए थे 16 अक्टूबर 2019 को। तो फिर से ये गेम वापस आने वाला है न्यू टाइटल के साथ, तो देखते हैं आगे चल के प्रोजेक्ट DS का टाइटल क्या होते हैं। क्या उसका टाइटल वाइल्ड लैंड डोरेंगो 2 होगा या फिर वाइल्ड लैंड डोरेंगो रिटर्न होने वाला है, ये तो आगे चल के हमें पता चलेगा। तो अगले गेम की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है प्रोजेक्ट P3। ऑन स्क्रीन आप इसका एक ही पिक्चर देख पा रहे हो। ये भी एक फर्स्ट पर्सन डोंजियन मोबाइल गेम होने वाला है, जिसके बारे में हमारे पास अभी तक कोई भी डिटेल नहीं आया है। छठे गेम की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है प्रोजेक्ट DR। अबे साले, मुझे पता है आप लोग गाली दोगे क्योंकि यार सभी गेम्स का टाइटल को रिवील नहीं किए हैं। जो प्रोजेक्ट DR एक ओशियन एक्सप्लोरेशन एडवेंचर गेम होने वाला है। न्यूज के हिसाब से ये जो गेम है क्रॉस प्लेटफॉर्म का फीचर्स ये प्रोवाइड करेंगे, तो देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट लग रहा है प्रोजेक्ट DR।
तो इस गेम को खेलने के लिए हमें 2022 तक ही वेट करना पड़ेगा। तो आखिरी गेम की तरफ चलते हैं, जिस गेम का नाम है, नाम तो रिवील नहीं किए हैं, प्रोजेक्ट P2। तो प्रोजेक्ट P2 जो है एक्शन फाइटिंग गेम होने वाला है और बताया जा रहा है ये गेम मल्टीप्लेयर होगा। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर फाइट कर सकते हो या फिर आपस में ही भिड़ सकते हो इस गेम को खेलते हुए। तो यही 7 गेम्स फिलहाल उन्होंने अपने इवेंट में अनाउंस किए हैं। मुझे पता है बहुत ही कम डिटेल है इन गेम्स के बारे में, जैसे कि आपको जानना है इसका रिलीज डेट, लेकिन इतना जरूर पता है कि 2022 तक ये गेम हमारे डिवाइस में लॉन्च हो सकते हैं, चाहे वो एंड ऑफ द ईयर हो या फिर मिड ऑफ द ईयर हो 2022 के। लेकिन हमें लगता है यार 2022 तक इन सब गेम्स को लॉन्च कर देंगे और अपने डिवाइस में डाउनलोड करके आसानी से एंजॉय कर पाएंगे। या फिर नेक्स्ट ऑन हो सकता है 2022 में कुछ गेम्स का टाइटल रिवील कर दे या फिर रिलीज डेट ही कन्फर्म कर दे, कुछ भी हो सकता है। उसके साथ साथ आप जानना चाहते होंगे कि इन सब गेम को ग्लोबली लॉन्च करेंगे या फिर नहीं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में इन सब गेम को रिलीज किया जाएगा, वो भी एक अलग क्वेश्चन निकल के आ जाता है। लेकिन यार ज्यादा चांसेस है इन सब गेम को इंडिया में भी आसानी से रिलीज करने वाले हैं, क्योंकि साउथ कोरियन कंपनी है। हमें जितना लगता है चाइना के साथ इन सब गेम का कोई भी कनेक्शन नहीं होने वाला है। उम्मीद करता अभी तक जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नेक्सॉन के आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ डिटेल आपको पता चल चुका है। फिर भी हमसे कुछ डिटेल मिस हो चुका है या फिर इन गेम्स के बारे में आप कुछ एक्स्ट्रा जानते हो, जब आप वीडियो को लेट देख रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पता चल जाएगा, तो कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर करना। और आने वाले दिनों में भी बहुत सारा अपडेट्स इन गेम से निकल के आने वाला है, तो उसे देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। कैसे जुड़ना है, इस लोगो बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लेना है, साथ साथ वीडियो कहीं भी पसंद आया होगा तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हुए जाना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।